ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना रुई है, ना सुई है, ना दवाई है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। बिहारी 45 किलोमीटर जाते जाते अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जय हिंद साथियों, मैं अनिकेत रंजन आप सबके सामने आज खड़ा हूँ एक बहुत ही भयानक सच लेकर के, जो पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड के यादवपुर गांव का है। मेरे पीछे जो अस्पताल की जो बड़ी भव्य बिल्डिंग आपको दिख रही है, जिस पर लिखा हुआ है जानकी अमर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर यादवपुर, और जितनी बड़ी इसकी बिल्डिंग है, जितना इसमें रूम है, जितने इसमें फैसिलिटी की व्यवस्था दी गई है, वहां मोतिहारी के या किसी प्रखंड के पीएससी में भी नहीं है। जितना बेड की व्यवस्था है, सारे चीज से लैस है अस्पताल, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इस अस्पताल में न डॉक्टर है, न नर्स है, न रुई है, न सुई है, न दवाई है, न कोई देखने वाला है, न कोई पूछने वाला है। और यहाँ के किसी भी लोगों को अगर भगवान न करे कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, किसी की बेटी के साथ, किसी के बेटा के साथ, किसी के परिवार के साथ, मोतिहारी 45 किलोमीटर जाते जाते अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? लाखों करोड़ों की संपत्ति यहाँ पे खड़ा किया है जनता का पैसा, लेकिन यह बेकार हो रहा है। खाता में पैसा चढ़ रहा है यादवपुर के नाम पे, लाखों रुपए का दवाई आ रहा है यादवपुर अस्पताल में, लाखों रुपए का बेड का खर्चा हो रहा है यादवपुर अस्पताल में, लाखों रुपए का सुई दवाई भी खर्च हो रहा है यादवपुर के अस्पताल में। लेकिन यादवपुर की सच्चाई यह है कि यादवपुर के अस्पताल यह खंडर पड़ा है, एकदम इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और यह वीरान पड़ा है अनाथों की तरह, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। यह सच्चाई है जो मैं आपको सामने आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। ये पूरा रोड से देख लिए हर चीज की फैसिलिटी है, लाइन से लेकर पोल से लेकर बिजली से लेकर के हर चीज की फैसिलिटी है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ चाचा, उद्घाटन के बाद ही तो ढंग से न चला नहीं कहियो ना कोई पदाधिकारी हो ना कोई ना ना वे ना। तो ये सब जब मान लेता नहीं कि यहाँ के जो विधायक उधायक लोग सब लोग वही भरवा कहियो ही लोग ना करे रामचंद्र बाबू का लड़का बाद ना भाई अभी जो नाका विधायक जीतल बना रहो लेकिन रामचंदन पासवान हमारे वो ना देखे वाला नहीं वो अपना गोटे के घर जाऊंगे। ये आम लोग हैं, यहाँ का किसान मजदूर हैं, जो उस उम्मीद पर वोट दे देते हैं कि कबो की चलो हमर कबो फलानवा हमर जात बा, चलो फलानवा हमारे धर्म के बा, चलो फलानवा भाजपा के बा, फलानवा फलानवा पार्टी के बा, चिलानवा पार्टी के बा, चाहे चलो फलानवा पर उम्मीद बा, चलो दे दो वोट कहीं ई तो कम से कम हमारे कल्याण करे। लेकिन वह वोट लेने के बाद वह नेता काम नहीं करता है। आइए इधर, आयुष्मान भारत की भी सुविधा से लैस है यहाँ पे, उसके भी नाम पर फर्जीवाड़ा होता है, उसके नाम पर भी यहाँ पे पैसा के तो पैसा होता सर कौन पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये यादवपुर अस्पताल का ये विधि व्यवस्था, देख लीजिए अंदर हर चीज है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे रिसेप्शन से लेकर के रिसेप्शन काउंटर से लेकर के कुर्सियां पड़ी हुई है, बेड पड़े हुए हैं, सारा सुविधा से लैस है, लेकिन यहाँ पे एक डॉक्टर क्या, एक नर्स क्या, एक एएनएम तक यहाँ व्यवस्था नहीं है जो लोगों का आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी में किसी का इलाज कर सके, किसी की जान बचा सके। यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है, बस फंड के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर, दवाई के नाम पर, सुई के नाम पर यहाँ का बिल बनता है, उसका बंदरबांट किया जाता है और जनता को धोखा देने का काम किया जाता है। खुले आंखों में दिन दहाड़े यहाँ लूटा जाता है जनता को। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि यादवपुर के साथ ना इंसाफी क्यों, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या यादवपुर की जनता ने लोगों को, यहाँ के नेताओं को वोट नहीं दिया था? मेरा तीसरा सवाल है, अगर सब चीज सही था तो फिर यादवपुर की जनता के साथ यहाँ पे बदहाली क्यों, उनके साथ ना इंसाफी क्यों, ये मेरा सवाल है। आज ये अस्पताल जितना भव्य अस्पताल है, जितना दूरी में यह अस्पताल है, उतना दूरी में किसी भी प्रखंड का पीएससी नहीं है भाई मेरे, पीएससी अस्पताल नहीं है जितना यादवपुर का यह अस्पताल है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इसको अगर हम नहीं चलाना है आपको, तो निश्चित रूप के ऐसे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र खोल के इसका पैसा बंडरबांट करने के लिए आप लोग खोलते हैं, इसका पैसा लूटने का आप लोग काम करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के यहाँ के कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे झांकने नहीं आता है कि यहाँ का लोग जी रहा है कि यहाँ के लोग मर रहा है, कोई पूछने तक नहीं आता है।